कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी द्वारा सनातनी और हिंदुओं को उग्र और नफरत फैलाने वाला बोला गया है, जिसका हम बहुत ही सीरियस जो है निंदा करते हैं। और उनका जो रवैया हमेशा से रहा है देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति, ये कभी भी सही नहीं रहा है। मुझे ये पता नहीं चलता है कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा दिया ही क्यों गया है। और साथ में हम ये भी बोलना चाहेंगे कि उनका जो भी स्टेटमेंट रहता है, जो भी उनका सोच विचार हमारे देश के प्रति रहता है, देश के जवानों के प्रति रहता है, इवन उनका जो अभद्र भाषा जो हमारे आर्मी के खिलाफ में भी बोला गया था, उसको भी जो है हम निंदा करते हैं। और साथ में हम सभी को ये समझना चाहिए कि ऐसे लीडर जो जिनका बोलने का कोई मतलब नहीं है, जिनका भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वैसा भाषा का प्रयोग ऐसे जगह पर करना ये एक्चुअली शोभा नहीं देता है उनको। और उनके द्वारा जब भी कोई भी टिप्पणी किया गया है वो बेसलेस किया गया है, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पूरा दुनिया भर में सनातनियों का ही एक इतिहास रहा है जो शांति प्रिय है, जो डेवलपमेंट के तरफ में अपना सोच विचार को रखता है, जो मानव जाति के कल्याण में विश्व भर में काम करता है। ये ऐसे धर्म के बारे में ऐसे टिप्पणी करना, ये अज्ञानता और वो जो दिमागी हालत से कमजोर है, इसका प्रदर्शन करता है। मैं आशा करूंगा कि देश भर में हर सनातनी जो खुद को हिंदू और सनातनी मानते हैं, इस बात का खिलाफ में खड़े हुए और उनको देशवासियों से, खास करके हिंदू और सनातनियों से माफी मांगने के लिए फोर्स किया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी आएगा, हम अगर इसी को अगर उल्टा करें, उनका हिम्मत है क्या कोई और जाति के बारे में ऐसे अपशब्द बोल के निकल जाएंगे? क्या ऐसा किसी का भी हिम्मत है? ये इसीलिए है क्योंकि हिंदू और सनातनी जो है वो शांति प्रिय है। ये तभी आवाज उठाते हैं जब उनके ऊपर कोई आघात होता है, उनको जब चोट लगता है। तो ये बात को समझते हुए मैं राहुल गांधी जैसे लोगों को, या राहुल गांधी जैसे सोच रखने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि इस देश में रहते हुए ऐसे विचार, ऐसे सोच रख के टिप्पणी या लोगों के बीच में ना जाए जहां पे सनातनी और हिंदुओं को ठेस पहुंचे। उनके वाक्यों से, उनके जबान से जो भी बात ऐसा निकलता है जो हिंदू और सनातनियों के खिलाफ रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, अगर कोई आधार रहता तो एक बात रहता, ये कोई ऐसे मुंह में आया और बोल दिया, वो भी पार्लियामेंट हाउस में, ये तो एक अज्ञानता और मूर्खता का पहचान है जो कि पहले से ही आया है। वैसे ये पहला बार नहीं है, ये हमारे 2010 में जो हमारे पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उनको भी ये इंसान जो है फाड़ा फाड़ा था सबके सामने, और हमारे आर्मियों को भी जो है अपशब्द बोल के उनका इंसल्ट किया था। तो मैं आशा करूंगा कि देशवासी इसके खिलाफ में खड़े हुए, खास करके हिंदू राष्ट्र शक्ति इस बात का, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट रहा है पार्लियामेंट में, इसका खंडन करती है और इसके खिलाफ में आवाज उठाती है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज हमारी संगठन हिंदू राष्ट्र शक्ति, जैसा हमारे नेशनल टीम है हिंदू राष्ट्र शक्ति की, वो हमारी हर ऑल ओवर इंडिया ये प्रोटेस्ट कर रही है। और जैसा हम अंडमान निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर में हमारे साथ है अंशुमान राजे यूथ विंग के प्रेसिडेंट विनोती मैडम जी, जो महिला यूथ की प्रेसिडेंट है, और मिस्टर एन वेंकट रमन्ना जो उपाध्यक्ष है एचआरएस के, तो हम भी जो है इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने जैसा सुना है सभी से, और हमारे जैसा रमन्ना जी है वो तेलुगु में लोगों तक अपना बात पहुंचाने की कोशिश की है, विनोती जी बंगाली में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, और अंशुमन जी भी जो है
हुआ जो घटना घटी है उसके बारे में आपको बताया। मेरा कहना यह है, यह हमारे भारत में हम सभी जितने भी हमारा रिलीजियस है, कम्युनिटी के लोग हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी के भी बीच आपस में मतभेद नहीं है। मगर हमने अक्सर यही देखा है कि कुछ कुछ पॉलिटिशियन के वजह से ये आपस में मतभेद पैदा करवाते हैं और आपस में जो लोग शांति से रहते हैं आपस में लड़ाते हैं, ये अपशब्द कह के। मुझे बहुत दुख है और मैं इसका खंडन करता हूं कि राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता है, वो पार्लियामेंट के अंदर में शिव जी का फोटो लेकर हमारे हिंदू कम्युनिटी के बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको कम से कम सोचना चाहिए है, जो भारतवर्ष में सभी रिलीजियस के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग जहां मिल के रहते हैं आपस में भाईचारा के साथ, आप लोग के वजह से, आप जैसे नेता लोग के वजह से ये जो आप आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही बुरा है। क्या मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, क्या हिंदू भाई लोग या बहन लोग आपको वोट नहीं करें, आपकी पार्टी को वोट नहीं करें जो आपने ऐसा बात बोल दिया? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर एक रिलीजियस और कम्युनिटी के लोग अपना वोट देते हैं। ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर में भी बेझिझक आप उंगली उठा दे और अपशब्द बोल दे, ये बहुत ही खराब बात है। और हमारा एचआरएस इसका विरोध करती है और हमें मांग करते हैं कि इस जैसा अपोजिशन लीडर को, जो भी इनके अलायंस पार्टनर है, वो इनको ना सपोर्ट करे और इसको जल्द से जल्द अपोजिशन लीडर की पद से हटाया जाए और आप में से कोई अपोजिशन बने, क्योंकि ये बंदा जो है ये भारत के नागरिक, भारत के कम्युनिटी रिलीजियस लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, आपस में फूट डालने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी लाइक नहीं है अपोजिशन लीडर कहलाने लायक का। तो मेरा ये विरोध है, ये हमारा राहुल गांधी जी सबके समक्ष आकर सभी से माफी मांगे पहले तो, और इनके जो भी अलायंस पार्टनर है, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह लोगों को आप अपने लीडर ना चुने। तो मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से हमारे जितने भी रिलीजियस के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जो हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के मदद में आते हैं, काम आते हैं, ये इस तरह नेता के वजह से, इस तरह नेता के बहकावों में आप लोग ना आए और इनके बात सुनकर हम जो आपस में भाईचारा से रहते हैं ये भंग ना करें। हम अपने जैसे लह रहे हैं भाईचारा से, वैसे ही रहे। और हम आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप सभी कम्युनिटी के लोग इस विषय में आप लोग प्रोटेस्ट करिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है आपस में और धर्म को लड़ाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। आज के हमरा सबाई एखाने एकत्रित हुएछि हिंदू राष्ट्र शक्तिर माध्यमे, किछु बोलते जाच्छि। हिंदू राष्ट्र शक्ति आमादेर पहचान पत्र होच्छे देश धर्म देवालय। आमादेर देशेर ब्यापारे बा धर्मेर ब्यापारे जदि केउ किछु बोले ताके आमरा सहजेओ छाड़बो ना। जेमन राहुल गांधी আমাদের ধর্মের ব্যাপারে, সনাতনীদের ব্যাপারে পার্লামেন্টে অনেক অভদ্র ভাষণ দিয়েছে, অভদ্র কথা বলেছে। আমরা চাই হিন্দু রাষ্ট্রের তরফ থেকে যেন রাহুল গান্ধী দেশের সবার কাছে মাপ চায়, আর এটা মাপ ওকে চাইতেই হবে। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে বলা আমরা কোনোদিনও সহ্য করব না, বিশেষ করে আমরা হিন্দু ধর্মের, যদি কেউ কোনো রকম অপমানজনক কথা বলে তাকে ছাড়া একেবারেই উচিত না, বা দেশের ব্যাপারেও যদি কেউ বলে সেটা হিন্দু রাষ্ট্র শক্তি ওর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে। সেই জন্য আমরা আজকে সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি। যে হিন্দু না, হিন্দুর ব্যাপারে কিছুই জানে না, সে এই ধরনের ভাষণ যদি পার্লামেন্টে দেয় তাহলে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় দেশে। এটা সবাইকে মানতে হবে, যেন এই ধরনের আর কোনো সময় কোনো কিছুই না বলে। সেই জন্য আমরা হিন্দু রাষ্ট্র শক্তির তরফ থেকে এখানে আমরা প্রেস মিট রেখেছি। আমাদের সঙ্গে আছে রাকেশ্বর লালজি, অংশুমানজি, ভেঙ্কট জি, ভেঙ্কটরামনজি,
তো এরপরে আমি চাইবো যেন আমাদের এখানে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যাংকারজি যেন কিছু বলে এই ব্যাপারে, যেন রাহুল গান্ধী আমাদের দেশে সবার কাছে যেন মাপ চায়, বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে। এরপরে বলছে ভেঙ্কটরামন। అందరికి నమస్కారం. ఈ మీడియా బంధువులందరికీ కూడా చాలా చాలా నమస్కారం. మా హిందీ రాష్ట్ర శక్తి ద్వారాగా ఈ యాల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. ఇందులోనే మా హిందూ రాష్ట్ర శక్తి ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రాకేష్ సల్లాల్జీ, ఆ తర్వాత మన అనుసుమన్ రాయ్, మిలిపి విశ్వాస్ మేడం, నేను వెంకటరమణ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఏం చెప్తున్నామంటే, రాహుల్ గాంధీ సంసత్లోని మన హిందూ ధర్మం గురించి, సనాతన ధర్మం గురించి చాలా చండాలంగా చెప్పాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రతి మందిరంలోని కూడా వెళ్ళి హిందువు హిందువు అని వాళ్ళు ఆల్రెడీగా తాత ముత్తాతలు అందరూ కూడా ముస్లిమ్స్, కాబట్టి హిందూ ధర్మని ఇలాగా చేశాడని మేము అందరూ కూడా ఖండిస్తున్నాం. దాని గురించి మీడియా బంధువులు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం.